अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खसबा सेवन न्यूज़ चैनल में आप सबका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। खुश आमदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का खसबा सेवन न्यूज़ चैनल में खैर मकदम है। आज बतारीख 29 मार्च बरोज़े चारशंबे को यानि 6 रमज़ानुल मुबारक को दरगाह हज़रत उजाले शाह रहमतुल्लाह अलैह, दरगाह हज़रत जलाल शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वाक़े सईदाबाद ACP ऑफिस के रूबरू में सालाना उर्से शरीफ बड़े ही एहतराम व एतिक़ाद के साथ मनाया जा रहा। 6 रमज़ानुल मुबारक को यहाँ पर दरूद व सलाम का नजराना पेश किया जाएगा और फिर तमाम आम व ख़ास के लिए इफ्तार का माकूल अहतमाम किया जाएगा। संदल माली दरगाह शरीफ में बड़े ही एहतराम के साथ सैकड़ों अकीदतमंदों की मौजूदगी में अमल मिलाया जाएगा। बाद नमाज मगरिब यहाँ पर तनावल वताम का बेहतरीन व माकूल अहतमाम किया जा रहा। तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ का भी अहतमाम किया जाएगा। दरगाह हज़रत उजाले शाह रहमतुल्लाह अलैह के सज्जाद नशीन व मुतवली जनाब अब्दुल हमीद पाशा कादरी चिश्ती बंदा नवाजी साहब ने बताया कि हज़रत उजाले शाह के खलीफा वाक़े चंचलगुड़ा में शेरुल हुदा नूरुल हुदा में 12 रमज़ानुल मुबारक और फिर विद्यानगर के खलीफा की बारगाह में भी 16 रमज़ानुल मुबारक में जिक्र की महफिल मुनक़िद की जाएगी। आइए जानते हैं इस खसूस में मज़ीद तफसीलात। पेश है खसरा 7 न्यूज़ चैनल की एक खसूसी रिपोर्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना बारिक वसल्लम अला इन औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। माशाल्लाह से रमज़ान का आगाज़ भी हो चुका है, आज 5वां रोज़ा है। माशाल्लाह से रमज़ान में तमामी अकीदतमंद मुतकिदीन और आलम इस्लाम के तमाम मुसलमान सब लोग रोज़ा वगैरह रहते हैं और दुआएं करते हैं, इबादतों में मशरूफ़ रहते हैं। माशाल्लाह से उनके तमाम मसाइल को अल्लाह पाक दफ़ा फरमाए, हर हाजत मुकम्मल हो जाए माशाल्लाह से। और ज़रूरी इत्तला ये है कि दरगाह हज़रत उजाले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, दरगाह हज़रत जलाल शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ब मुक़ाम सईदाबाद अपोज़िट ACP ऑफिस, आपका महाना संदल 6 रमज़ान को बाद नमाज असर दरगाह शरीफ में संदल माली होगी, दुरूद व सलाम होगा, खुसूसी दुआएं होंगी सबके लिए, सारे आलम के लिए। उसके बाद इफ्तार का आम ख़ास अहतमाम रहेगा, इंतज़ाम रहेगा। उसके बाद नमाज मगरिब अदा की जाएगी, उसके बाद तनावल ताम का भी अहतमाम रहेगा आम ख़ास। इंशाल्लाह आशिकान औलिया से गुजारिश की जाती है कि वो ज़रूर तशरीफ़ लाएँ वक्त निकाल कर, इंशाल्लाह सबका बेड़ा पार होगा। और हज़रत उजाले शाह साहब के खलीफा बा मुक़ाम विद्यानगर में 16 रमज़ान को भी जिक्र की महफिल होगी मुख्तसर सी, और 12 रमज़ान को चंचलगुड़ा शेरुल हुदा नूरुल हुदा के पास भी महफिल होगी इंशाल्लाह ताला। हज़रत के खलीफा होते हैं हज़रत सैयद शेरुल हुदा नूरुल हुदा चंचलगुड़ा हज़रत अली उल्लाह शाह साहब बा मुक़ाम विद्यानगर। 16 रमज़ान को मुख्तसर सी जिक्र की महफिल होगी इंशाल्लाह मगरिब या इशा के बाद इंशाल्लाह, और चंचलगुड़े में भी मगरिब या इशा के बाद होगी इंशाल्लाह। ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। और हम खसबा न्यूज़ का और क्राइम 100 का फिर से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमेशा आकर पाबंदी के साथ न्यूज़ वगैरह लेते हैं, और दुआ करते हैं कि आपके चैनल को तरक्की दे, आपके स्टाफ को भी तरक्की दे माशाल्लाह से। और हमारे खाजी मोहम्मद हाफिज़ मोहम्मद अली साहब को भी अल्लाह सेहत कामिला सेहत आजिल अता फरमाए। इन्नल्लाहु मलाइकतुहु युसल्लून अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सुब्बारिक व सल्लिम व फज़ली सुभाना रब्बिका रब्बिल हमदिल हक ला इलाहा इल्ला हुवा। अस्सलामु अलैकुम। मज़ीद तफ़सीलात के लिए हमारे YouTube चैनल खसबा 7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।